नोवो नॉर्डिक्स एजुकेशन फाउंडेशन ने डायबिटीज़ को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत में डायबिटीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। डेनमार्क एम्बेसी में रिपोर्ट जारी की गई, डेनमार्क के एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए के दास मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए। आप लोगों ने रिपोर्ट रिलीज़ की, क्या वजह है कि भारत में बहुत तेज़ी से बताया कि डायबिटीज़ बढ़ रहा है, क्या वजह पाई अपने रिसर्च में आप लोगों ने? ये जो रिपोर्ट आज नोवो नॉर्डिक्स जारी किया, इट हैज़ टेकन इट फ्रॉम दी पब्लिश रिजल्ट्स, जो एविडेंसेस जो मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ है, जो इंडिया में ICMR इनडेप्थ स्टडी हुआ है और जो दूसरे स्टडी हुआ है उससे लिए हैं। नाउ इसका जो मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है, ये है, हमने जो देखे हैं, आई जस्ट टेल यू द नंबर 1, 2, 3, 4, इज पॉसिबली द इशू ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी। लोगों ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया कि किस एज ग्रुप में सबसे तेजी से डायबिटीज बढ़ रहा है और किस इंडिया के किस रीजन में सबसे तेजी से बढ़ रहा है? आपने वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा। ये डेंजरस ट्रेंड है कि डायबिटीज जो हो रहा है इंडिया में वो थोड़ा पहले हो रहा है। बाहर में डायबिटीज हो रहा है तो इट इज अराउंड 50, 55, 60, 65 ईयर्स ऑफ एज। डायबिटीज का जो टेक ऑफ कौन सा एज में होता है, इट इज अराउंड द एज ऑफ 29, विच इज डिस्टर्बिंग ट्रेंड। सो डायबिटीज इंडिया में जल्दी हो रहा है। नंबर टू, डॉक्टर साहब, 40 एज से पहले इंडिया में 29, 30 हो रहा है। आपने पूछा कि इंडिया में कौन सा रीजन में ज़्यादा है, इट इज़ मोर इन केरला, इट हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड मोर इन पॉन्डिचेरी, इट इज़ फाउंड लिटिल मोर इन अगरतला, इट इज़ इन फाउंड मोर इन सिक्किम, सो वेरियस पार्ट्स, इट इज़ लेस इन अरुणाचल प्रदेश बिकॉज दे हैव हाउस इन थ्री फ्लोर्स। ऊपर जाता है खाने के लिए, ड्रॉइंग रूम मिडिल में है, ऊपर सोने का कमरा है, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी मोर है इन द पहाड़ी एरिया में, फिजिकल एक्टिविटी। सो आपको क्या लगता है कि जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में कितने सालों में क्या स्टेटस हो जाएगा और कितना खतरनाक है? ये खतरनाक ये है कि डायबिटीज़ के साथ में ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट डिजीज आता है, मोटापन आता है और फैट भी बढ़ जाता है। सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस। बट द गुड न्यूज़ इज दैट अभी देश में अवेयरनेस बढ़ रहा है और अभी देश में ये अभियान चल रहा है STOP, स्टॉप डायबिटीज, ये कैंपेन है स्टॉप डायबिटीज। एंड ये भी कैंपेन है, जिसको भी डायबिटीज हो गया है उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, वो कंट्रोल रखते हैं, सो दैट इज़ द गुड साइन। ये कोई ऐसी वजह बताइए जिसकी वजह से डायबिटीज सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, ह्यूमन वो काम जो कर रहा है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डायबिटीज का शिकार हो रहा है, तो क्या वजह बताएंगे? आई थिंक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट, फास्ट फूड। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए कि वो हमें डायबिटीज़ की दहलीज तक पहुंचा सकती है, और डाइट्स अगर गड़बड़ हुई तो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और हम खतरनाक लेवल पे डायबिटीज़ के स्तर पे पहुंच जाएंगे। कैमरामैन अनिर्बान के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।